एक दफा फिर इस एक दफा फिर ये दिन दिखाया है सब दोस्तों को, आप इस मौके पे क्या वेल विशेस हमें देनी चाहिए, लेकिन आप भी कुछ कर दें जो जो ये चाह रहे हो कि इस जैसा दिन हम किसी जिंदगी में भी आए। ये दिन बड़े दिनों के बाद आया है। अच्छा, बहुत बड़ा अच्छा दिन जी, बिल्कुल एब्सोल्युटली अच्छा दिन है। लेकिन सबसे पहले ना मैं आप मीडिया के शुक्रिया अदा करूंगा क्योंकि आप संडे को आए हैं सिर्फ मेरे लिए, मुझे नहीं पता था, बोलो मैं इतना हीरो पाकिस्तान में, माशाल्लाह आप लोगों ने मुझे बना दिया। ठीक है, डेफिनेटली आप फैशन इंडस्ट्री के हीरो हैं, बल्कि पाकिस्तान का प्राइड है और दुनिया भर में आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, इसमें तो कोई शक नहीं है। सारा मीडिया और आपका सारा कैरियर सबके सामने है, तो ये कैसे आपने इतना बड़ा फैसला कर लिया चैनल? ये फैसला मैंने, पता है कि जब जिंदगी में ना आदमी ने पूरी दुनिया देखी हो ना, जी जी, तो मैं तो शुरू से पाकिस्तान में रहा हूँ, बिल्कुल बाहर रह के पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम बनाता था, वहाँ की सब चीज़ें मैंने देखी हुई थी। मेरा एक लाइफ जो है ना, मुझे सारी ये इस चक्करों में गुजरी है, क्योंकि फैशन का काम है, लड़कियों के साथ मेरा काम है। लेकिन आदमी जो है ना एंड जो ना अपनी लाइफ बड़ी सिंपल और अच्छी अपने मुल्क में अपनी पाकिस्तानी लड़की के साथ गुजारना चाहता है। अच्छा, ये मेरी वाइफ जो है ना, अल्लाह ने मुझे बुलाई है, मुझे नहीं मतलब फैमिली रिश्ता, मुझे जैसे करते हैं जो हमारा अरेंज मैरिज कह रहे हैं, अरेंज मैरिज कह रहे हैं। प्रपोजल किधर से है पहले आपने किया उधर? प्लस लव नहीं है, मतलब लव अब शुरू होगा ना। उम्र के इस हिस्से में अरेंज मैरिज करना कैसा? इस उम्र के इस हिस्से में, क्योंकि 25 साल का हो गया था, 25 साल का हो जाएगा तो एज हो जाएगी, इसलिए फिर मैंने कहा अपने आप को फिट फिट और सारा, तो फिर शादी अब होनी चाहिए, मुल्क में होनी चाहिए। आपने किया सर ये उधर से? जी, फैमिली की तरफ से। अच्छा अच्छा, नंबर वन। नंबर टू, एक चीज मैं आपको बता दूं, जी जी सर, मतलब मैं कोई गलत बात किसी के खिलाफ नहीं करना चाह रहा, पाकिस्तान लड़कियों और यूरोपियन लड़कियों में बहुत फ़र्क है। पाकिस्तान की जो औरत है ना, वो आपके लिए जान देती है, अपनी मियाँ के लिए जान देती है, वो सुबह जब जाता है ना काम करने के लिए, उसके लिए दुआएं मांगती है। लेकिन हमारे कल्चर में एक बहुत खराबी कल्चर है मर्दों के लिए, जो अपनी इतनी खूबसूरत औरतें घर पे बैठा के वो खुद बाहर रहते हैं रात को, शुरू शुरू में प्यार हो गया, उसके बाद कल्ले कपड़े लगा रहे हैं, औरत को रात को खाना बना दो, वो कर दो। मेरे वो कल्चर में नहीं, मेरे कल्चर में ये वाइफ मेरे साथ है, ये सिस्टम प्रोफेसर है, इसने लॉ भी किया हुआ है, लेकिन ये हम आपस में प्रेस में कभी नहीं आएगा, आपके सामने आज आ रहे हैं, उसके बाद कभी मैं इसके साथ कोई टीवी शो नहीं करूँगा। ये अकेली जाए, जो इसने अपने लेक्चर देने हैं, चीज़ें करनी है, वो सब चीज़ें करेगी, जॉब कभी नहीं छोड़ेगी, ठीक है ना। वो बहुत ज़रूरी है, ये अपनी जॉब करे, अपने लेक्चर दे, यूनिवर्सिटीज़ में जाए, लॉ करना है, अपने वकाल जो इसने करना है वो खुद करेगी। ये आदमी को, सब आदमियों को मेरी तरफ से मैसेज है अपनी बीवियों को, प्लीज़ आप, हमें चाहिए इनके सैलर भी जो है ना बिल्कुल 50-50 होने चाहिए, औरतों की इज्जत भी वैसे होनी चाहिए जैसे आदमी की इज्जत है। ये ना हो जी आदमी ऊपर है और उसके साथ हम शिद्दत कर रहे हैं, वो चीज़ें कर रहे हैं, उस मेंटल में मैंने ये बाहर ये चीज़ें मैंने नहीं सीखी। बाहर आदमी खुद अपनी बीवी को ट्रे देता है, फ्लावर देता है, वो बीवी देखा ना कितनी खूबसूरत खुश होती है, ठीक है ना। अगर आपकी बीवी मेकअप करके अच्छे कपड़े पहन के कहीं जाएगी, कोई उसकी तारीफ करेगा, तो आपका फ़ख्र होना चाहिए ना। मैं अब नेक्स्ट वीक मैंने पेरिस चले जाना है, क्योंकि मेरे बड़े काम है वहाँ पे और दुनिया में मैंने जाना है। अभी ये इधर होगी, लेक्चर देगी, चीज़ें करेगी, जो मर्जी करे, ठीक है ना। हमने शादी की है, जो मर्जी जाए, जो मर्जी इसके फंक्शन है, वो कभी मेरी तरफ से कुछ नहीं होगा। सिर्फ एक और चीज़ हमने प्रॉमिस किया, हम आपस में मीडिया में कभी नहीं आएंगे। अच्छा मैडम, प्रोफेशन का डिफरेंट है, मेरा एजुकेशन है, मैं खुद भी नहीं चाह रही क्योंकि मैंने इनके प्रोफेशन में नहीं आना, तो फिर अच्छा ये बताएं, जिंदगी के नए सफर का आगाज किया आपने, तो भट्टी साहब जो है वैसे हमें तो बहुत अच्छी पर्सनैलिटी लगी है, आप इनके बारे में बताएं जिंदगी के नए सफर के आगाज। अभी जितना को रेन मैरिज के बाद मुझे टाइम मिला है, उसमें तो मुझे बहुत अच्छे इंसान लगे, जैसे सारी खूबियाँ तो इन्होंने भी पहले खुद ही बता दी, तो मेरा ख्याल है कि सारी जितनी भी हमारी पाकिस्तानी लड़कियाँ हैं उनको तो ऐसे ही मर चाहिए ना, जो उनको इंडिपेंडेंस उनकी वैसी ही रहे, मैं जॉब कर रही हूँ तो मैं करती रहूँ और उसी तरह ही कॉन्फिडेंट रहूँ जैसे पहले थी। हमारे यहाँ तो डॉक्टर भी बन जाए तो घर बैठ जाती हैं और सारा उनका कॉन्फिडेंस जो है वो ख़त्म हो जाता है,
ऐसे में, और मुझे लगता है कि ये सारा इनका कमाल है कि पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, लेकिन ये जो फ्रेंड्स से इनकी लर्निंग हुई है ना, सही जेंटलमैन वहाँ से बन के आए हैं, वहाँ से अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आए हैं, और ये मिक्स कल्चर जो है ये मेरे तो बहुत फ़ायदे में है इंशाल्लाह। अच्छा, दोनों का प्रोफेशन तो अलग अलग था, तो इन फ्यूचर को दोनों का कॉम्बिनेशन भी नजर आएगा प्रोफेशनली? इनको किसी लेक्चर की जरूरत नहीं, हाँ मैं इनसे शायद गाइडेंस मैं इनसे गाइडेंस लेती रहूंगी, ही इज अ लिविंग लेजेंड। हम मिलके सर कोई प्रोजेक्ट चलाना चाहिए, मतलब जो गरीबों के लिए हमने काम है। सुबह हम दोनों गए हैं दाता साहब जी वहाँ पे जाके हमके देखे आए हैं, क्योंकि वहाँ से मैं शुरू अपनी लाइफ मैंने वहाँ से शुरू की थी, ठीक है ना। तो सुबह जाके देखे आए हैं, जाने से पहले फिर जाऊँगा जान, क्योंकि मैं हमेशा ना जब पाकिस्तान आता हूँ ना, सबसे पहले मैंने दाता साहब जाना होता है, माशा आके जाने वापस जाने से पहले भी, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ वहाँ से गुजारी हुई है। जब मेरे पास पैसे नहीं होते थे, मैं लंगर वहाँ पे खाता था, तो रियल लाइफ जो है ना वो अल्लाह ने वो हमें दी हुई है। अच्छा, मेरा साहिबा क्या कहेंगे, कितना खुद को लकी फील करती हैं कि एक ऐसे आइकन के साथ आपकी शादी हो गई है जो कि दुनिया भर के लिए रोल मॉडल हैं और ओवरसीज पाकिस्तानियों की हमेशा आवाज़ भी बने हैं। इसके साथ साथ वो उनका जो तारुफ़ हो, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, कि फ्रेंच वो डिज़ाइनर भी हैं और लड़कियां उनके जो ट्रेंड्स हैं वो वेयर करती हैं। कितना गुस्सा आएगा? नहीं नहीं, गुस्सा क्यों आएगा, इतनी एजुकेशन के बाद यही तो सीखा है, ये तो प्रोफेशनल लाइफ में होता है, और इनकी प्रोफेशनल लाइफ का मुझे पता भी है ऑब्वियसली। लकी मेरा ख्याल है कि मुझे पहले एज ए ह्यूमन बीइंग इनको देखना है, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बहुत अच्छी हैं वो, मेरे लिए ज़्यादा प्रेफर करूँगी मैं उसको। उसके बाद ये तो एक एडिशन में एक अच्छी बात है ना कि वो मेरे हस्बैंड एक लिविंग लेजेंड है, जो भी हैं वो तो एक आगे की बात है। ड्रेस आपका जो डिज़ाइन किया है वो भट्टी साहब ने किया? नहीं, डिज़ाइन उन्होंने नहीं किया, लेकिन आई थिंक गाइडेंस नहीं बनवाया तो इन्होंने ये यहाँ से कहीं, क्योंकि मेरी फैमिली भी, आई बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली, तो उनकी अपनी वैल्यूज होती हैं, तो मैं जाहिर है जिस तरह का ईस्टर्न पहनना चाह रही थी, फिर इन्होंने यहीं कहीं से डिज़ाइन करवाया। अच्छा, ये बताएं कि मशहूर हैं कि इस्लाम में चार शादियों की मर्द हुए, आप बताएं इनका जवाब। मैं आप ये इसको मैं जवाब देते रहता हूं, मुझे पता है। ये सवाल मैं मजाक भी करते हैं। अपना स्टार्ट किया पाकिस्तान से, पूरी दुनिया घूमी, एंड भी इनका आप पाकिस्तान में देख लें, और ये बस यही इनकी लाइफ है, यही इनकी वाइफ है, बस। ये तो आप कह रहे हैं ना चार शादियाँ, एक औरत को रखना बड़ा मुश्किल चीज़ है, चार तीन आदमी कैसे चार को रखें, एक आदमी एक औरत की पूरी उसको टाइम दे, उसकी इज्जत करे, उसको एलिगेंस करके दिखाए, वो सबसे जरूरी है। चार आदमी वो आदमी क्या करेगा उसको? नहीं, आपने कहा था आज से चंद रोज खबर अब मेरी वही शादी है, इसके बाद मैंने इनके प्रोग्राम पे टीवी पे मैंने कहा था, इन्होंने मुझे पूछा था, मैंने क्या कहा था, इन्होंने ये कहा था कि अब जो मोहब्बत होगी वो आखिरी होगी और वहीं पे मैं एंड करूंगा, वहाँ पे शादी होगी, उसे जीवन साथी चुनूंगा। ये बताइए, आपने कहा मीडिया में आप इकट्ठे नहीं आएंगे, कोई फलाही कामों में तो इकट्ठे जाएंगे आप लोग? नहीं, जो फ्लाई काम होगा तो डेफिनेट उस पर जाएंगे, जो शांति काम जो मुझे शौक है चीज़ों का ना, तो इससे भी मैं हेल्प लूँगा, कैसे हमने करना है, कैसे चीज़ें करनी है, कैसे लोगों को स्पॉन्सर बच्चों का करना है, यतीम बच्चों को इधर सारा अल्लाह ने वो मुझसे करवाते रहे। तो आपके माइंड में कोई ऐसा एंगल है कि जो आप चाह रहे हो सोशल वेलफेयर इस हवाले से कुछ? नहीं, पहले भी मैंने किया था, मैं तो इनके सब टी वी प्रोग्राम में मैंने कहा था, मैंने मुल्तान रोड पर यतीम खाने के लिए ज़मीन ली थी, वो पकड़ के किसी और ने अपने नाम पर, अल्लाह करे ये अदालतों के जल्दी फैसले हों, वो चक्कर ना लगाते रहे सारी उम्र, मेरी ज़िंदगी में उसका फैसला हो गया, यतीम खाना हम बनाए वहाँ पर, एक मकबरा ज़मीन है, तो गरीब यतीम खाना बना के मैं चले जाऊँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने शादी पे लोगों के, मुझे बड़े लोगों के तोहफे और चीज़ें आई, मैंने उनके मुझे जो आपने मुझे देना ना जाके यतीम खाने में। मैडम आपकी अरेंज मैरिज है और भट्टी साहब एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिसे लोग जानते हैं, दुनिया जानती है,
तो आपकी शादी से कभी तो आप इनको जानती होंगी इनकी पर्सनैलिटी के बारे मैं में? मैं भी वैसे बहुत कम जानती थी और मेरी फैमिली को भी इतना नहीं, क्योंकि हमारा फैशन से नहीं है, प्रोफेशन नहीं था इतना, और इतना कभी पढ़ा नहीं था। लेकिन जब ज़ाहिर प्रपोजल आया और पढ़ा और फिर इनके इतने प्रोग्राम्स मैंने देखे, वहीं से मुझे, मेरा ख्याल है कि मैं लकी इस लिहाज से हूँ कि एक आम लड़की को प्रपोजल आता है, उनको पता नहीं चलता लड़का क्या है। तो मुझे इनको, बट सब आपने प्रपोजल भेजने का फैसला मतलब कब देखा, कहाँ देखा, उसके बाद फैसला कैसे किया आपने? मैंने इनके प्रोग्राम पे गया था, वहाँ पे फिर मैंने सोचा, मैंने कहा अगर शादी करनी है यहीं पे करनी है, अपनी एंड लाइफ में यहीं पे इस गेट टू गेट के दौरान भी आपको काफी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी इनके बारे में? आपके लिए बहुत ज्यादा खुशियाँ आपको नसीब करें, हम सब दोस्तों की दुआएं आपके साथ हैं। मैं अगेन आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ, जो आपने मेरे लिए ये किया है ना, तो आप मेरा दिल आपने इतना बड़ा कर दिया है, अल्लाह मियां आपको बहुत तरक्की।